हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे खुबानी का मिल्क शेक। तो इसके लिए यहाँ पर लेंगे हम 250 ग्राम खुबानी, ये ताज़ी खुबानी है। 6 चम्मच चीनी के लेंगे, 1 गिलास दूध लेंगे और यहाँ आइस क्यूब हम ले लेंगे। और इस खुबानी को हम अच्छे से धो लेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इसका बीज हम निकाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनको कट कर लिया है। और अब हम लेंगे एक जार, उसमें अपनी खुबानियों को डाल देंगे और ये मिल्क शेक बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। और आप खुबानी का मिल्क शेक बनाकर पिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी। तो यहाँ पर हमने चीनी डाल दी है। अब यहाँ पर हम 1 गिलास दूध को डाल देंगे और यहाँ पर हमने बर्फ़ को तोड़ लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम और यहाँ पर हम अपना ढक्कन लगा कर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। और चलिए इसको गिलासों में अब हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा खट्टा मीठा सा मिल्क शेक बनकर तैयार है, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एनर्जी वाला ये हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि पानी में बहुत ही मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए। तो इसका एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मिल्क शेक कैसा लगा है। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।